अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है सबका? सब ठीक ठाक खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, घर पर सेफ होंगे। थोड़ा सा यहाँ पे शोर है तो इसे ऊंचा बोलना पड़ रिकॉर्ड हो गया। रिकॉर्डिंग शुरू नहीं थी? रिकॉर्डिंग शुरू थी। यहाँ पे थोड़ा सा शोर है लेकिन हम इसलिए जरा ऊंचा बोलेंगे। तो हुमायूं भाई, हम इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं? हम इस वक्त खड़े हैं मिजाज फैशन स्टूडियो, जो कि चाय खाना के सेकंड फ्लोर पर है, और इससे आगे आपको बताएंगे। तो हम यहाँ पे क्यों खड़े हैं जी? हम यहाँ पर इसलिए खड़े हैं क्योंकि हम लोग इंतजार कर रहे हैं जी। किसका इंतजार कर रहे हैं? मजीद ब्लॉगर्स का इंतजार कर रहे हैं जी। साथ हम और किसका इंतजार कर रहे हैं? हम कुछ दुशीजाज का इंतजार कर रहे हैं और कुछ लड़कों का भी। तो बेसिकली हम जो हैं आज इनवाइटेड हैं इनकी तरफ से। ये हैं अहमद भाई, जो के फाउंडर हैं मिजाज फैशन स्टूडियो के, और मेरे साथ हैं मोहसिन भाई, विडहॉलिक, और हुमायूं अली, जिसका चैनल है वाई हुमायूं के नाम से। तो हमें मोहसिन भाई ने इनवाइट किया है उगोकी में एक रेस्टोरेंट, जो कि अभी रिसेंटली ओपन हुआ है। ये भी और हाँ, ये वाले भाई हमारे 3D आर्टिस्ट हैं। ये वही वाले भाई हैं जिन्होंने वो डंबल वाली वीडियो की बनाई थी। ठीक है, मैं जो है वो अहमद भाई ने, ये भी अहमद हैं और वो भी अहमद है। तो हमें उन ना, मैं आपको ये भी बता, ये कहता पीआर, मैंने पीआर है मेरी, वहाँ पे आप जाके देखेंगे, और ये हमारी जो है ना, इसको मैंने कहना पुत्र तुम्हें गड्डी नहीं पहन देना। सो हमें इनवाइट किया है अहमद भाई ने, और कहाँ पे इनवाइट किया है? वो कोई रेस्टोरेंट है रेड मैक के नाम से, जो कि जिसकी ओपनिंग होनी है कुछ देर में। तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं फूड टेस्टिंग के लिए, और वो कहाँ पे लोकेट करता है? वो लोकेट करता है उगोकी। तो अभी हम लोग सिर्फ अपनी बस का वेट कर रहे हैं, और बस पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। आगे भाई ज़रा देखें, बस आई है कि नहीं आई? अभी नहीं आई, तो पता नहीं कब आएगी। तो अब आपसे मुलाकात करेंगे हम बस में जा। तो अभी ये हुमायूं भाई हैं, ये हसन मुगल भाई हैं, और वो आके भाई हैं, और इसके अलावा और अभी जो नजर आए भी हैं ये रांझा भाई हैं हमारे साथ। किधर है रांझा भाई? रांझा भाई, ये रांझा भाई। तो अभी जो है हम लोग जा रहे हैं उगोकी की तरफ, और सफर तो क्योंकि बहुत शॉर्ट है तो इसलिए हम लोग जो है ना लंबा सा रूट लेंगे, और वहाँ से हम जाएंगे। तो अभी हम अगर कोई एक्टिविटी करेंगे बस के अंदर तो फिर आपको वो दिखाएंगे, वरना फिर आपसे उगोकी पहुंच गई बात हो। गाड़ी 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 गाड़ी। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, हम डाइवो बस एक्सप्रेस सर्विस की जानिब से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमने सफर उगोकी के लिए स्टार्ट कर दिया है। सफर का तुरानिया इंशाल्लाह 30 मिनट और 1 सेकंड 2 सेकंड होगा, और बस में एक मिनट है। हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक बस में सिगरेट नोशी मना है, अपनी हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए हिफाजती सीट बेल्ट बांध लीजिए। तबीयत खराब की सूरत में अहमद भाई से वॉमिट बैग तलब किए जाते हैं। इन्होंने शापर काफी खड़े किए हैं। अहमद काले ना चिट्टे ना सर, मैं आपके उर्दू दास चिट्टा केड़ा काला केड़ा सर, कोई रिफ्रेशमेंट सर, कोई रिफ्रेशमेंट हमारे लिए ऊपर क्या है? हां अहमद भाई, कोई रिफ्रेशमेंट वो भी आप यहां पे विस्की अवेल होगी, वोडका, बिल्कुल जो चाहिए आपको मिलेगा। आप सर बस में आए हुए हैं, आप कहीं फाइव स्टार होटल में नहीं आए हुए, ये आपकी बात बता दी जाती है, इतना दी आपकी टीम की। जाने दो चुप, जाने दो लहरों में कहीं डूब जाने दो, शोर ना करो यारो आंख है लगी, बहल जाने दो यार, जल में कहीं चिपक के मुझे जल में कहीं, जल में कहीं काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, हम सीने पे खाए हुए हैं, आगे नहीं आती तुम्हें दिल लगी, जानी पड़ेगी
मोहब्बत की राह में भूल जानी पड़ेगी। तो फाइनली गाइस आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टूर, बहुत लंबा सफर था, हम लोग कर रहे हैं और मतलब 3-4 मिनट क्या ना ड्राइव से कर रहे हैं, उसी बैठे थे 3-4 घंटों से। तो फाइनली जी हम लोग ऑलमोस्ट 15 मिनट के ड्राइव के बाद टूर कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम लोग उतर रहे हैं। हुमैज भाई आ जाए पीछे पीछे। This is Red Mac and we are invited by this guy. This one over here. So ab jo hai na yahan pe ek hoga photo shoot and this is their Instagram handle and you can follow them over here. Is waqt jo hai yahan pe photo shoot chal raha hai. Is waqt do photographer bilkul 3 yahan pe khade hain aur including me 4 hum in wings ke paas jo hai wo. तो जी ये सारी सिचुएशन है, स्टिल फोटोशूट हो रहा है यहाँ पे और अभी आपको दिखाते हैं अंदर से। तो ये इनकी एंट्रेंस है, ये मेरा ख्याल है कोई लाइट्स वगैरह होंगी, ये इनका नाम लिखा हुआ है और यहाँ से जाते हैं अंदर। आई थिंक स्टिल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है क्योंकि अभी तक इसकी जो प्रॉपर ओपनिंग है वो नहीं हुई और यहाँ पर कुछ सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं और यहाँ पर और मेरा ख्याल है कि स्पेशली हमारे लिए किया गया है ताकि हम सब जो हैं वो यहाँ पे इकट्ठे बैठ सकें। तो अभी तक खाने का ऑर्डर नहीं हुआ, वो अभी करना है, तो जब वो होगा खाना आएगा फिर आपको बताएं। ये जो है हमें शेक सर, शेक कौन सा है ये सर? स्ट्रॉबेरी शेक। तो अभी जो है हमें ये शेक मिला है स्ट्रॉबेरी शेक और अब हम इसको पी के ट्राई करेंगे कि इसका टेस्ट किस तरह का है। अच्छा टेस्ट। हुमायूं भाई ये लेकिन शेक आए और मैंने पिया है और ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ये भी है जिसमें ये है जोजो और सारे ये देखें जी, चार शेक मेरा तो है ख़त्म हो गया था, मैं दोबारा लेके आया हूँ सिर्फ फोटो शूट के लिए। ये बंदा दोबारा से शेक लेकर यार, मैं सिर्फ फोटो के लिए लेके आया हूँ, शेक पीना नहीं है मैंने। क्या सेल्फी आई है? क्या सेल्फिश आई है? अपनी है ना। अच्छा जी अब शुरू करते हैं आपकी नज़र एक प्यारा सा राह गाना वो भी 2-3 मिनट का, इससे पहले खाना आ जाए तो शुरू हो जाओ। तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया तेरे बिन, सारे गाने तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया तेरे बिन, कब से आंखें मेरी राह में तेरे बिछी, भूल से ही नहीं तू मिल जाए कहीं, ओ भूले ना तन्हा बदन तन्हा है रू ना मेरी सांसे रहे, आजा मेरे अब रूबरू जीना नहीं बिन तेरे, तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया तेरे बिन, तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया तेरे बिन, आदत।
तू वहाँ से गई, तू वहाँ से गा। चलो ऐसा कैसा शर्माना नच के दिखा दे, मेरी होने वाले पर्दा गिरा दे, मेरी अखियों से अखियां मिला ले, हाँ नजरे चुरा वनबी मैं चमक चलो ओ ओ, वनबी मैं चमक चलो ओ ओ, वनबी मैं चमक चलो ओ ओ, वनबी मैं चमक चलो इतने में पूछ ले। दूर जितना भी तुम मुझसे पास तेरे में, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जिंदगी से कोई शिकवा भी नहीं है, अब तो जिंदा हूँ शिकवा भी नहीं है। रिपीट हो गया, अंतराग पीछे हो गया, इस वजह से जो ना गलती लगी। ले आसमां में हे हे हम गिटार के बगैर गिव अस सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग। और हमारे मामले में नो कॉम्प्रोमाइज। यार बिस्ती कर रहे हैं तेरी है जैन भाई, मुझे लगता है खाना आ गया, आप इसलिए खुश लग रही हूँ। चा तो खाना जो है वो यहाँ पे सर्व हो रहा है। ये है चिकन समथिंग, अब पता नहीं ये क्या है लेकिन कुछ ना कुछ है। मेरा ख्याल है कि ये क्या है, चिकन क्या है, चिकन है वो सब एक जैसे यार। कौन सा चिकन है? आई थिंक ये टोमेटो चिकन है, कढ़ाई है नॉर्मल। इसका टेस्ट मुझे वो लग रहा है धोनी चट खाने वाला। चलो ये अभी हम खा के बताएंगे। खुशबू बहुत मजे की है। और देखिए इन दोनों को, इन दोनों शख्सियात ने अपना सेपरेट टेबल बुक किया हुआ है और यहाँ पे ये भी दड़ा दर खाए जा रहे हैं छुपन छुपी। जैन भी एक ही तरीका है, भट साहब की तरीका जे अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़। और यहाँ पे ये काबली पुलाव है जो कि मैंने डाल लिया है, इसके अलावा ये चिकन वाला हांडी वो जो दिखाई दी, सॉरी कोई सालन है मुझे नहीं पता ये क्या है। और ये कबाब है। जी 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 सर, मतलब जी जी की करना। और क्या है, और अभी आ रहा है कबाब आ रहा है। तो जी खाना हम खा चुके हैं। अच्छा खा लिया आपने? आपने नहीं खाया? खा लिया। तो लोकेशन जो है वो कुछ ये है, वेर इज हाँ रेड मैक, और ये भी लिखा हुआ है रेड मैक, इस पर भी लिखा हुआ है। और रोड से बिल्कुल लेफ्ट साइड पे व्हेन यू आर गोइंग टुवर्ड्स सियालकोट। तो अभी जो है चाय का कुछ इंतज़ाम है और चाय पिएंगे हम, और उसके बाद फिर हम शायद घर को जाएँ। फाइनली गाइज द डे हैज़ एंडेड और मैं और जैन फिलहाल फुल थकी हुई हालत में लेटे हुए हैं। तो फाइनली गाइस दिन हमारा खत्म हो चुका है। वो हमसे जेलस हो रही है, उसको हम पे गुस्सा कि हमने इतना अकेले एंजॉय कर लिया। बात यह है कि दिन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो चुका है और चाय हमारी अब आई है, अब हम चाय पियेंगे और जाएंगे। वो सामने फोटोशूट हो रहा है, वो सामने जो है फोटोशूट हो रहा है और ये हमें तब से ड्रामे का आ रही है हमारे साथ। नहीं, 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 नहीं। ये हमारे अहमद भाई हैं 3D आर्टिस्ट, जिन्होंने वो वाले जो एंजल विंग्स हैं वो बनाए हैं जो कि बहुत माशाल्लाह जो कि मुझे सिखा नहीं रहे।
तो अब हम जरा चाय पियेंगे और फिर जो है घर को वापस जाएंगे। कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं कहना चाहेंगे क्या? कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि यार भाई को सपोर्ट करें, भाई मेहनत कर रहे हैं वीडियो बना के व्लॉग बना के, इनको सपोर्ट करें। और पाकिस्तान का कोई भी बंदा होता है जो मेहनत कर रहा होता है उसको सपोर्ट किया करें, उससे फ़ायदा ये होगा वो भी कर रहा होगा, कल को आप भी जब कर रहे होंगे तो आपको भी लोग सपोर्ट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसी हर एक को सपोर्ट, मैंने भी सपोर्ट कर दी मेरी। हां, मैं इनका जो लिंक है ना चैनल का वो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो को भी कर दें इसको भी। नेल आर्टिस्ट है भाई, नेल आर्टिस्ट है और कमाल की आर्टिस्ट बन गई। जरूर जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, जो भी इनका जो है ना इंस्टाग्राम का हैंडल वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं और अहमद भाई को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे तो आप करें ही करें। और ये रही हमारी चाय। गुड चाय। हुमायूं भाई, फाइनली हम लोग वापस चाय खाना मिजाज फैशन स्टूडियो आ गए हैं जहाँ से हमने की थी शुरुआत। ये है ज़ैनब रोज। तो इवेंट हमारा आज का हो चुका है ख़त्म, जो अरेंज किया था, ऑर्गेनाइज किया था एक्चुअली इन्होंने। तो थैंक यू सो मच अहमद भाई, आपने हमें इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग आए, आपने हमें इस काबिल समझा कि आप आपने देने हमें अच्छा पहले कैसे थोड़ा अरेंज मैंने किया है, रिकॉर्ड है। ये देखा मुकर गए आप। तो आज का जो हमारा व्लॉग है वो यहाँ तक की है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट इवेंट पे, नेक्स्ट मीटअप पे, किसी नए खाने के साथ। तो तब तक के लिए मेरी तरफ से और इन सब की तरफ से अल्लाह हाफिज। वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करें। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।